क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है ये मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक ऑफ सेपरेशन है। और ये जो है श्वेत साइंटिस्ट, ये साइलेंस जो श्वेत साइंटिस्ट है, ही गिवेन या डिस्कवर दिस टेक्निक इन 1906। तो ये 1906 में डिस्कवर किया गया श्वेत के द्वारा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। और इसमें हम लोग जनरली कलर सब्सटेंस को सबसे पहले इसको यूज जो किया गया था, क्लोरोफिल को सेपरेट किया गया था। तो कलर सब्सटेंस का जो सेपरेशन है, इसलिए नाम इसमें क्रोमो पड़ा है। क्रोमो मीन्स कलर्ड, जो कलर्ड कंपाउंड है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है कि डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। तो सबसे पहले इस टेक्निक का यूज करके डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को इस मेथड से सेपरेट किया गया श्वेत के द्वारा। या फिर मान लीजिए मिक्सचर ऑफ कलर है, फॉर एग्जाम्पल जो है कि रेड इंक है और ब्लू इंक है, इसका अगर मिक्सचर है तो इसको हम लोग बहुत इजीली से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। इस टेक्निक का एडवांटेज क्या है, इस टेक्निक का मेनली एडवांटेज क्या है? तो देखिए एडवांटेज जो है इस टेक्निक का कि इसको सेपरेशन, एडवांटेज कि सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्निक है सेपरेशन के लिए तो हम लोग यूज करते हैं फॉर सेपरेशन। अगर वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो उसको भी बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो आप ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अगर स्मॉल क्वांटिटी का भी सेपरेशन करना है तो बहुत आसानी से स्मॉल क्वांटिटी के सेपरेशन के लिए भी ये टेक्निक यूजफुल है। और इतना ही नहीं, इससे हम लोग प्योरिटी ऑफ कंपाउंड को भी टेस्ट कर सकते हैं। कैन बी यूज टू टेस्ट, कैन बी यूज टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। इससे हम लोग प्योरिटी ऑफ कंपाउंड को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब एडवांटेज है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का, अदर जो मेथड ऑफ सेपरेशन है उसके आधार पर। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में ब्रॉडली हम लोग टू टाइप से इसको क्लासिफाई करते हैं। वन इज एडजर्शन एंड अनदर इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यानी कि ये एडजर्शन प्रोसेस पर बेस्ड होता है या डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी। तो क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक का जो प्रिंसिपल है, यानी किस पर ये बेस्ड है प्रिंसिपल, और उसी के आधार पर क्लासिफिकेशन भी हम लोग करते हैं कि या तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ एडजर्शन, इसलिए नाम पड़ा है। एक टाइप होता है एडजर्शन क्रोमेटोग्राफी, तो दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडजर्शन। या फिर पार्टीशन, पार्टीशन पार्टीशन बोले तो डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी के आधार पर बेस्ड है। तो इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन आइदर एडजर्शन प्रोसेस और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दैट इज डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी। पार्टीशन का मतलब हो गया यहाँ डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम लोग कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अगर हम टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करें, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी तो मेजर टू टाइप का है। टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी वन इज एडजर्शन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी जिसको फर्दर जो है कि टू टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। वन इज कॉलम एंड अनदर इज थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और जो सेकेंड टाइप है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी जिसका एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। लास्ट ईयर नीट में पेपर क्रोमेटोग्राफी, लास्ट ईयर नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन भी जो है कि बना था, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। वन इज एडजर्शन दैट इज फर्दर क्लासिफाइड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। वन इज पार्टीशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप, और टाइप में ये हम बताएं कि ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन है। वन इज एडजर्शन दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट रेट ऑफ एडजर्शन, और एडजर्शन जो क्रोमेटोग्राफी है फर्दर क्लासिफाइड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी।
एंड थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो जो सेकेंड वन इज थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दिस इज शॉर्ट फॉर्म में टीएलसी हम लोग लिख सकते हैं। और जो सेकेंड टाइप है दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट। तो जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो लास्ट ईयर नीट में यहां से क्वेश्चन भी शायद पूछा था, आई होप द क्वेश्चन इज कि पेपर क्रोमेटोग्राफी एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इट इज ए पेपर क्रोमेटोग्राफी एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये बेसिक जो है कि क्लासिफिकेशन है। ओके, अगर हम लोग इसका प्रिंसिपल की बात करें या डिफरेंट जो कंपोनेंट है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के उसको हम लोग बात करें, नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो जो देखिए फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजर्सन क्रोमेटोग्राफी, एडजर्सन क्रोमेटोग्राफी। और जो भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है देखिए उसके दो कंपोनेंट होते हैं, क्रोमेटोग्राफिक में जो कंपोनेंट है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज नोन एज स्टेशनरी फेज अनदर इज नोन एज मोबाइल फेज। दो कंपोनेंट होते हैं। देखिए जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये ग्लास ट्यूब होता है एक्चुअली, और ग्लास ट्यूब में जो स्टेशनरी फेज है इन द फॉर्म ऑफ, तो ये भी याद रखना है कि डिफरेंट जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में व्हाट इज द स्टेशनरी फेज और व्हाट इज द मोबाइल फेज। तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब होता है और इसमें जो स्टेशनरी फेज है ये सोलिड, ये बेड ऑफ सिलिका होता है, बेड ऑफ सिलिका दैट इज सैंड, SiO2, जेल ऑफ सिलिका होता है, या फिर कह सकते हैं बेड ऑफ एल्यूमिना, जो एल्यूमिना होता है दैट इज Al2O3, इसका जो बेड होता है दैट एक स्टेशनरी फेज, ये पैक्ड होता है पूरा लाइक सैंड, जैसे अर्थ में जो है कि सैंड और सॉयल का पैकिंग है और उससे वाटर फिल्टर होता है लाइक दैट। तो बेड ऑफ जो सिलिका है या बेड ऑफ जो एल्यूमिना है ये स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है, ये एक तेज स्टेशनरी फेज फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज। और इससे जब हम लोग मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन जब पास करते हैं तो डिफरेंट वेट या डिफरेंट रेट ऑफ एडजर्प्शन के हिसाब से जो है कि कंपाउंड सेपरेट हो जाता है। अगर ये कलर के रूप में है तो डिफरेंट जो है कलर जो है डिफरेंट बैंड के रूप में सेपरेट हो जाता है, रेड कलर लेते हैं येल्लो कलर का जो है इसमें मिक्सचर है एंड इफ वी टेक जो है कि ब्लू कलर का मिक्सचर, तो वेट या डिफरेंट एडजर्प्शन के आधार पर ये सेपरेट हो जाता है। तो इसको हम लोग फर्दर जो है
फर्दर इसको जो है कि अगर हम लोग फिगर को बनाए जिसमें ये जो सिलिका का बेड है स्टेशनरी फेज है इसको अगर बैकग्राउंड जो है में अगर कर दें, तो अगर डिफरेंट कलर को अगर सेपरेट करना है, डिफरेंट कंपाउंड को सेपरेट करना है और डिफरेंट कंपाउंड को अगर हम लोग पास करें तो डिफरेंट एडजॉर्प्शन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कलर सेपरेट हो जाता है। तो जो सबसे लीस्ट एब्जॉर्ब टेंडेंसी होगा, एडजॉर्प्शन का टेंडेंसी होगा, वो बॉटम पर जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो इसका लीस्ट एडजॉर्प्शन होगा दैट विल बी एट बॉटम, और जो मोस्ट रेडली एडजॉर्ब होगा दैट विल बी एट द टॉप। तो मोस्ट रेडली एब्जॉर्ब होगा वो जो है कि टॉप पर होगा। इस तरह डिफरेंट जो है लेयर में जो है कि सेपरेट हो जाता है एंड वन इज ब्लू कलर लाइक दैट। तो ये डिफरेंट लेयर में सेपरेट होगा। अगर कलर कंपाउंड है तो सबसे पहला जो फिल्टर मिलेगा दैट विल बी द रेड कलर, और ये लिस्ट जो है एब्जॉर्बेबल है, इसका एडजॉर्प्शन सबसे लिस्ट होगा। तो लिस्ट एडजॉर्प्शन जो सबसे पहले मिलेगा उसका लिस्ट एडजॉर्प्शन होगा, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो फिल्ट्रेट मिलेगा दैट इज द ब्लू कलर जो है कि, और सबसे जो मोस्ट एडजॉर्बेबल है वो येलो कलर है, जो थर्ड जो है नंबर में सबसे लास्ट जो है कि ऑब्टेंड होगा दैट इज द येलो कलर दैट इज मोस्ट रेडली एडजॉर्ब, मोस्ट रेडली एडजॉर्ब। तो येलो कलर जो है ये टॉप पर होगा और ये मोस्ट रेडली एडजॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसका स्लो मूवमेंट होता है, मोस्ट रेडली एडजॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर, यहाँ जो मिक्सचर अब जो है कि सोल्यूशन है, मिक्सचर अब जो है सोल्यूशन है, इट एक्ट एज मोबाइल फेज, ये मूव करता है ओवर स्टेशनरी फेज। इसको हम लोग मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन या जो प्योर सॉल्वेंट है दैट एक्ट एज मोबाइल फेज। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक ट्यूब होता है ग्लास ट्यूब, इसमें स्टेशनरी जो फेज होता है, जो सिलिका होता है, एल्युमिनी होता है, उसका जो है कि पैकिंग होता है, बेड होता है, बेड ऑफ सिलिका और एल्युमिनी एल्युमिना, और उसके ऊपर हम लोग मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन पास करते हैं जो कि डिफरेंट एडजॉर्प्शन के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है। जो मोस्ट एब्जॉर्ब होगा वो ऊपर जो है कि के लेयर में होगा, और जो लीस्ट एडजॉर्ब होगा वो जल्दी डाउन द जो है कि ट्यूब पास करेगा और सबसे पहले जो है कि उसका सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो हम लोग बात करें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर हियर। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप होता है। जो सेकेंड मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, देखिए वर्ड है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो जो ये थिन लेयर होता है, ये थिन लेयर क्या होता है, तो ये थिन लेयर होता है एडजॉर्बेंट का, ठीक है ना, ये थिन लेयर होता है, थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का थिन लेयर होता है। और इसका थिकनेस की अगर बात करें तो ये 0.2 मिलीमीटर का थिकनेस होता है, 0.2 मिलीमीटर थिकनेस का एडजॉर्बेंट होता है, दैट इज सॉलिड एडजॉर्बेंट, दैट इज दैट में बी एल्यूमिना, जो कि एल्यूमिना हो सकता है या सिलिका का जो है कि थिन लेयर होता है सिलिका, दैट इज SiO2, इसका थिन लेयर होता है। और जो थिन लेयर होता है एडजॉर्बेंट का एल्यूमिना या सिलिका का किस पर होता है, तो ये ग्लास प्लेट पर कोटेड रहता है, ग्लास प्लेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज द ग्लास प्लेट, और इस पर जो है कि थिन लेयर होता है सिलिका का या एल्यूमिना का, जो है कि थिन लेयर का एडजॉर्बेंट होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, या इसके लिए एक और टर्म है दैट इज क्रोमोप्लेट। तो इस प्लेट को हम लोग
थीन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट बोलेंगे या फिर क्रोमो प्लेट भी इसको बोलते हैं। और ये नथिंग बट ये ग्लास जो है कि प्लेट होता है कोटेड विथ थीन लेयर ऑफ एल्यूमिना और सिलिका एंड दिस एक्ट एज स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी जो प्लेट है दैट एक्ट एज स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करता है। तो ओवरऑल जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि देखिए इसमें एक जार होता है, वी हैव इसमें एक जार होता है और ये जार जो है ये फिल्ड होता है, इसके बॉटम में हमारा सॉल्वेंट होता है, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट होता है। तो ये जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इट एक्ट एज प्योर जो सॉल्वेंट है इट एक्ट एज मोबाइल फेज, यही मोबाइल फेज ये मूव करता है, इसलिए इसको मोबाइल फेज की तरह यूज करते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट इज मोबाइल फेज और थिन लेयर प्लेट इज ए स्टेशनरी फेज। तो इसमें हम लोग थिन लेयर प्लेट को जो है डिप करते हैं और थिन लेयर प्लेट जो है क्रोमो जो प्लेट है इसको सॉल्वेंट में डिप करते हैं। तो ये जो सॉल्वेंट का जो लेयर है, सॉल्वेंट का जो लेयर है जो क्रोमो प्लेट जहां तक डिप है इसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं, दिस इज नोन एज बेस लाइन। ये हमारा बेस लाइन होता है, बेस लाइन होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग सैंपल को माइक्रो पिपेट की हेल्प से सैंपल को लोड करते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ सॉल्व, मिक्सचर ऑफ जो है कि सैंपल होता है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पॉट, सैंपल स्पॉट। तो ये स्पॉट के रूप में हम लोग माइक्रो पिपेट से इसको लोड करते हैं क्रोमो प्लेट पर। अब जैसे ही सॉल्वेंट राइज करता है सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से, जो सॉल्वेंट है मोबाइल फेज है ये कैपिलरी एक्शन से राइज करता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जैसे राइज करता है तो जो सैंपल स्पॉट है इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हो सकता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड या डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है। तो जैसे सॉल्वेंट राइज करता है तो डिफरेंट वेट के अकॉर्डिंग जो है ये जो कंपाउंड है ये सेपरेटेड हो जाते हैं, ये सेपरेटेड हो जाते हैं मास के अकॉर्डिंग, ये कंपाउंड जो है कि सेपरेटेड हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है जो कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये विजिबल भी हो सकता है या इनविजिबल भी हो सकता है या कलर्ड भी हो सकता है, तो डिफरेंट सिचुएशन है। तो फर्दर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो है पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और एक चीज यहाँ और हम लोग जो है कि डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से जो मूवमेंट है सॉल्यूट का या कंपाउंड का या कंपोनेंट का, ये अगर मान लीजिए जो है कि एक्स डिस्टेंस राइज कर रहा है, ये एक्स डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रहा है एक्स डिस्टेंस, और सॉल्वेंट का जो है सॉल्वेंट जो होता है वो भी राइज करता है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट जनरली ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट ज्यादा होता है। तो सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है अगर इसको हम लोग वाई मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तो यहां पर एक जो है तो यहाँ पर एक हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। और रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, इट इज ए रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्यूट और कंपोनेंट के द्वारा बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉल्वेंट का जो है रेट ऑफ जो है कि स्पीड जो ऑफ माइग्रेशन है ये ज्यादा होता है, तो ये क्रोमेटोग्राफिक प्लेट को जो है कि हायर हाइट तक वेट करते हैं, लेकिन सॉल्यूट जो है उतना फास्ट या उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। तो एक्स बाई जो वाई रेशियो है एक रिटार्डेशन फैक्टर, इसको कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, RF इज रिटार्डेशन फैक्टर, RF हमारा क्या है दैट इज रिटार्डेशन फैक्टर। और ये कुछ नहीं होता है, ये रेशियो होता है, ये रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्यूट दैट इज x, बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट इज y।
तो जब सैंपल सैंपल को हम लोग लोड करते हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैपिलरी एक्शन से जब राइज करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है वो भी सेपरेट हो जाता है एबीसी में। अब इसमें हम ये कह रहे थे कि ये हो सकता है कि जो स्पॉट जो कंपोनेंट है जो डिफरेंट स्पॉट के साथ ये जो कंपोनेंट है फॉर एग्जाम्पल वी टेक ए बी सी तो ये जो है इन ये विजिबल भी हो सकते हैं अगर कलर्ड होंगे तो ये विजिबल भी हो सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो स्पॉट है ये कंपाउंड को डिनोट कर रहे हैं ये जो स्पॉट है ये इनविजिबल हो ऐसा भी हो सकता है इनविजिबल हो तो इसको फिर जो है कि क्या करते हैं आयोडीन सोल्यूशन से पास करते हैं और आयोडीन जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं तो ये ब्राउन कलर के स्पॉट जो है ब्राउन कलर के स्पॉट रिप्रेजेंट करेंगे ब्राउन कलर के स्पॉट में जो है कि अपीयर होंगे ब्राउन कलर के स्पॉट में या फिर ऐसा भी हो सकता है इसको हम लोग यूवी लाइट से पास करते हैं तो यूवी लाइट में ये आसानी से फ्लोरेश करते हैं फ्लोरेसेंस शो करते हैं यूवी लाइट में ये जो है कि ब्राइट कलर ब्राइट स्पॉट के रूप में अपीयर होते हैं दैट इज फ्लोरेसेंस। तो यूवी लाइट इससे पास करते हैं तो ये जो डॉट है ब्राइट स्पॉट के रूप में फ्लोरेसेंस शो करते हैं और अपीयर होते हैं और इससे जो है कि जो कंपोनेंट है ये सेपरेटेड कंपोनेंट जो है कि विजिबल होते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है इसको विजिबल फॉर्म में देखने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट का स्प्रे करते हैं नहीं स्प्रे ऑफ स्पेशल रिएजेंट जो कि इसके कंपाउंड से पार्टिकुलर जो है कि इंटेक्शन शो करे स्प्रे ऑफ स्पेशल रिएजेंट का स्प्रे करते हैं तो फिर ये जो है कि पॉइंट विजिबल होते हैं और ये पॉइंट कंपाउंड को डिनोट करते हैं। इसका एक एग्जांपल है फॉर एग्जांपल जो सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड है सेपरेशन ऑफ जब एमिनो एसिड हम लोग करते हैं एमिनो एसिड को सेपरेशन करते समय इसको विजिबल करने के लिए जो डिफरेंट स्पॉट ऑफ एमिनो एसिड होता है इसको विजिबल फॉर्म में देखने के लिए निनहाइड्रीन जो रिएजेंट है उसका स्प्रे करते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि निनहाइड्रीन ये जो रिएजेंट है इसका स्प्रे करते ही अगर ये एमिनो एसिड है तो ये विजिबल होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड विद द हेल्प ऑफ दैट इज एमिनो एसिड कैन बी डिटेक्टेड और विजिबल विद द हेल्प ऑफ स्प्रेइंग निनहाइड्रीन एज ए स्प्रेइंग रिएजेंट। जब निनहाइड्रीन का स्प्रे करते हैं तो एमिनो एसिड विजिबल हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर था दैट इज फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट और जो थर्ड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। और देखिए जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो बेस्ट होता है दैट इज डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। पार्टीशन का मतलब यह है डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी या स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ of mixture of compound in different solvent में जो solubility होता है different compound का
उसके आधार पर, डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी के आधार पर, ये एडजर्प्शन पर बेस्ड नहीं होता है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एडजर्प्शन प्रोसेस, दिस इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी, स्पेशल सॉल्युबिलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट। तो जो जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, अगर इसमें हम लोग बात करें स्टेशनरी और मोबाइल फेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ है कि व्हाट इज द स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो अगर स्टेशनरी, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्टेशनरी फेज क्या होता है, तो कलम क्रोमेटोग्राफी की तरह इसमें सिलिका या एल्यूमिना यूज नहीं करते हैं। इसमें जो स्टेशनरी फेज है, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज ए वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड है ये, वाटर मॉलिक्यूल है, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना इंट्रैप विथ पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम लोग स्पेशल टाइप का पेपर यूज करते हैं, स्पेशल टाइप का पेपर यूज करते हैं जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं। तो वाटर जो है कि इन ट्रैप, तो जो स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है, दैट इज द वाटर और लिक्विड इन ट्रैप, जो कि इन ट्रैप होता है विथ क्रोमेटोग्राफी पेपर। ये स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसको पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। तो वाटर इन ट्रैप विथ क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो होता है, एक्चुअली इसमें जो स्टेशनरी फेज है ये वाटर है, लिक्विड वाटर है, और ये जो वाटर है इंट्रैप होता है, एसोसिएटेड होता है किससे, क्रोमेटोग्राफिक पेपर के साथ, ये स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। और जो मोबाइल फेज है, मोबाइल जो फेज होता है, जो मूविंग फेज होता है, ये प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है। तो देखिए वाटर यहाँ क्या है, ये पोलर टाइप का सॉल्वेंट हो गया, जो स्टेशनरी फेज की तरह काम कर रहा है, ये पोलर सॉल्वेंट हो गया। और एक अनदर जो सॉल्वेंट लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, ये जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो ये जनरली जो है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ताकि जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, हो सकता है कुछ कंपाउंड जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, और उससे क्या, और अदर कंपाउंड जो है पोलर सॉल्वेंट में जो है कि सॉल्युबल हो। तो डिफरेंट सॉल्वेंट में जो कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी है, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी होगा वो डिफरेंट होता है, दैट इज डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी, और उसके आधार पर कंपाउंड जो है कि सेपरेटेड हो जाते हैं। तो इसमें स्टेशनरी फेज दैट इज द वाटर, दैट इज द पोलर सॉल्वेंट, और जो मोबाइल फेज होता है दैट इज द प्योर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का इसमें मिक्सचर यूज करते हैं। और जो स्टेशनरी फेज वाटर होता है वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसका भी जो सेटअप अगर बात करें हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, तो सिमिलर टाइप का होता है। और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज करते हैं, या तो ये स्ट्रिप के रूप में हो सकता है, स्ट्रिप के रूप में हो सकता है, या फिर सर्कुलर भी हो सकता है, स्ट्रिप के रूप में भी हो सकता है, या फिर सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है। दो टाइप से जो है कि सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है। तो दिस इज द सर्कुलर फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर, या स्ट्रिप के टाइप में भी यूज कर सकते हैं। तो बाकी जो सेटअप है कुछ वैसा ही होता है जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं, कि ये हमारा जार होगा और जार में जो है कि प्योर सॉल्वेंट होगा, और ये जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट जनरली ये नॉन पोलर टाइप का सॉल्वेंट लेते हैं, और ये जो प्योर सॉल्वेंट है दिस एक्ट एज मोबाइल फेज, यही जो है हमारा मोबाइल फेज मूवमेंट शो करता है, मोबाइल फेज की तरह यूज होता है। और जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, स्ट्रिप टाइप अगर ले ले क्रोमेटोग्राफिक पेपर, दिस इज द क्रोमेटोग्राफिक पेपर, और इसमें जो है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है।
तो वाटर मॉलिक्यूल को एज ए डॉट अगर हम लोग ले लें, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल इंट्रैप्ड है, एसोसिएटेड है। तो देखिए जब हम लोग इसमें सैंपल लोड करते हैं, अपना डिजायर्ड सैंपल या मिक्सचर जो लोड करते हैं, सैंपल जो है सैंपल लोड करते हैं, ये हमारा सैंपल हो गया। और सैंपल क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है। मान लीजिए ए बी सी डिफरेंट कंपाउंड अगर इसमें है तो इसको हम लोग लोड करते हैं। तो जो प्योर सॉल्वेंट है जैसे राइज करता है कैपिलरी एक्शन के साथ, तो इसमें जो नॉन पोलर जो है कि कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ राइज होगा, ठीक है ना। नॉन पोलर जो कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ राइज होगा। तो डिफरेंट जो है कि ये जो स्पॉट है ये डिफरेंट स्पॉट के रूप में सेपरेटेड हो जाएगा, डिफरेंट जो है कि डिस्टेंस पर डिफरेंट स्पॉट के रूप में कंपाउंड क्या हो जाएगा, सेपरेटेड हो जाएगा। तो जो सॉल्वेंट के साथ राइज करेगा, सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट का जो एक लेयर ऊपर तक राइज करता है, सॉल्वेंट के साथ राइज करेगा, ये किस नेचर का कंपाउंड होगा, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल है इसलिए ये ज्यादा राइज करेगा। जो पोलर नेचर होगा ये वाला, जो अगर इसको नेमिंग कर दे ए बी सी, तो कहेंगे ए जो है कंपाउंड है ये नॉन पोलर कंपाउंड है और सी का पोलरिटी ज्यादा है इसलिए वाटर के साथ ही इसका सोल्यूबिलिटी है तो वाटर के साथ रिटेन करेगा। बी का पोलरिटी जो है कि सी से कम है तो पोलरिटी के आधार पर ये सेपरेट हो जाएगा। तो डिफरेंशियल जो पार्टीशन है, पार्टीशन जो क्रोमेटोग्राफी है ये बेस्ट होता है डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जैसे एबीसी कंपाउंड है तो इसका डिफरेंट रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, और जो है कि प्योर सॉल्वेंट दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज मोबाइल फेज, और एक जो स्टेशनरी फेज है जो कि वाटर है जो कि पोलर सॉल्वेंट है, इसमें ए बी सी का सॉल्युबिलिटी जो है डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। दैट इज नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट जो है कि रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट, तो इसके आधार पर कंपाउंड हम लोग सेपरेट कर लेंगे। और फिर फर्दर जो वही प्रोसेस होता है कि ये स्पॉट हो सकता है विजिबल हो, जो हमारा स्पॉट है ए बी सी का स्पॉट है ये हो सकता है विजिबल हो, कलर्ड हो, या अगर विजिबल नहीं है, विजिबल हो सकता है, कलर्ड हो सकता है, विजिबल होगा कलर्ड होगा तो विजिबल होगा, या फिर अगर इनविजिबल है तो इसको यूवी लाइट से पास करते हैं, या फिर इसमें जो है कोई स्पेशल रिएजेंट का स्प्रे करते हैं, रिएजेंट का स्प्रे करते हैं फिर वो विजिबल हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमिनो। ओके, तो जो एमिनो एसिड को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर ये स्पॉट है डिफरेंट एमिनो एसिड भी पोलर नॉन पोलर टाइप का हो सकता है, तो अगर डिफरेंट स्पॉट है एमिनो एसिड का ए बी सी, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग रिएजेंट दैट इज नीन हाइड्रीन का स्प्रे करते हैं और एमिनो एसिड विजिबल होता है, जैसे हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में देखें। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो हम लोग क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक है, डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, उसको हम लोग डिस्कस किए हैं कि तो ये जो डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो है कि टॉपिक, नेक्स्ट जो है कि वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि दो वीडियो लेक्चर में जो है कि दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, वन फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस that is detection of element organic inorganic compound, that is detection of carbon hydrogen phosphorus halogen through Lysogny test, उसके द्वारा वन लेक्चर में हम लोग क्वालिटेटिव डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट क्वांटिटेटिव यानी कि परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट थ्रू लीविंग मेथड, कैरियश मेथड, एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, डुमास मेथड फॉर परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, जेल्डाल मेथड फॉर परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी कवर और डिस्कस अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, वेलकम।